इस कहानी से इतना तो क्लियर हो जाता है कि चाहे सबकी ज़िंदगी में प्यार हो या ना हो, पर एक कहानी ज़रूर होता है। चाहे सबकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ना हो, पर दिल ज़रूर टूटता है। चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो, पर साथ देने वाले इंसान ज़रूर मिल जाते हैं। उस दिन मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड थी प्रियंका, 5 फीट डार्क कॉम्प्लेक्शन 0 फिगर। मेरी भी एक स्टोरी है, अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो इसे। और लिखने की बात अलग है, पर मुझे किसी इंसान की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है। ये चैनल शुरू करने से पहले भी मैंने काफ़ी दोस्तों के, मेरे सीनियर्स की ये स्टोरी सुना है। शायद मैं उनको ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ या कुछ और, पर सब मुझे अपना स्टोरी सुनाना पसंद करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू STS, मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। आई नो आपके पास भी एक बहुत अच्छा स्टोरी है, एक वंडरफुल स्टोरी है, छुपा के मत रखिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्लो लग रहा है तो प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर देना, पर आखिर तक ज़रूर देखना। तुम्हें तो पता है कि कॉलेज में समीर भाई मेरे लिए कितना मायने रखते थे। मेरी खुद की कोई भाई नहीं है, अब जो मुझे मिले तो एक बड़े भाई की तरह गाइड करने लगे और साथ में मस्ती मजाक, तो पराया हो के भी अपने भाई जैसा लगा था। मैं उनसे बहुत कनेक्टेड हो गई थी, कभी कुछ गलत होगा मेरे साथ मैं नहीं सोची थी। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और इसमें मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। पर होता है ना, हर खुशी को किसी ना किसी इंसान की नज़र लगी जाती है। हमारे लाइफ में भी एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई, इन उनके लाइफ को तो पता नहीं, पर मेरे लाइफ में काले बादल छाने वाले थे। पर सबसे दुख की बात ये थी कि इट वॉज रितिका, माई बेस्ट फ्रेंड। पता नहीं कैसे वो ज़िंदगी में आई और पहले लव ट्रायंगल हुआ और फिर मैं थर्ड पर्सन हो गई। पहले लगा था कि सब कुछ सही है, पर धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं उनके लाइफ में कोई मायने नहीं रखती। सब कुछ बिगड़ने लगा था, मैं टूट के बिखर रही थी, सारा प्यार अब झगड़े में बदल रहे थे। रात रात भर एक दूसरे को जानने में बिता रहे थे और अब रोज़ झगड़ों में ही सुबह हो जाती थी। समय ऐसा आया कि मैं खुद ही मर रही थी अंदर ही अंदर। शायद मैं सहन नहीं कर पा रही थी ये चीज़ कि मेरे भाई मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिल के मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। रूम में भी बहुत झगड़े होते थे, नाराज़ होना, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना, दिल टूटना, ये तो आम होने लगे थे। कभी कभार रूम छोड़ के चली जाती थी ताकि खुद को थोड़ा शांति दे सकूँ। पर रूम छोड़ के जाने से इंसानों से दूर हो जाती थी, पर जो चीज़ दिमाग में उससे कैसे दूर होती, भुलाना चाहूँ तो भी भुला नहीं सकती थी। काश दिमाग में भी कोई ऐसे डिलीट बटन होता, एक क्लिक और सारा बैड मेमोरी बिन में, कितना अच्छा होता नहीं। एक ऐसा भी टाइम आया जब मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा कि मैं किसी को सहन नहीं कर पाती, मैं किसी का हो नहीं सकती, मैं बस लाइफ बर्बाद कर देती हूँ लोगों की। और आखिर में मुझे कैरेक्टर लेस जैसे वर्ड भी सुनने पड़े। हमेशा दिल भारी भारी रहने लगा था, जैसे कि कोई बोझ सा हो जो उतर नहीं पा रहा हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद मैं अब सहन नहीं कर पा रही थी, अब ईगो ख़त्म हो गया था और सेल्फ रिस्पेक्टिव बात आने लगी थी। शायद मैं ही गलत होंगी, अगर वो दोनों साथ खुश हैं, मेरे वजह से ये सारा प्रॉब्लम है तो सही है ना, मैं साइड हो जाती हूँ। काफ़ी बार मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मैं बहुत कोशिश की पर नहीं हो पा रहा था। राही मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी, पर जब तक मेरे दिमाग में उनकी मेमोरी और दिल में दर्द था, वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक ऐसा टाइम आया और मुझे लगा कि सही है ना, अगर मैं उनके लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो ठीक है, भूल जाती हूँ, पर नहीं हो पा रहा था। मैं इधर रोती रहती और वो मेरे बारे में डिस्कस करके हंसते रहते थे, मेरे ऊपर जोक्स क्रैक कर रहे थे। इधर रितिका बोलती, पता है तुम्हारी बहन रो रही है, हाँ तो रोने दो, मैं क्या कर सकता हूँ, समीर भाई रिप्लाई देते थे। और रितिका इधर हंस देती थी, उसकी वो हंसी खंजर की तरह मेरे दिल को चीर देती। पहले तो टूटा हुआ दिल समेट नहीं पा रही थी, ऊपर से उसका ये हंसना मेरे ऊपर मुझे झिंझोड़ दे रहा था। जो दर्द उस समय महसूस कर रही थी वो शायद लफ्ज़ों पे बयां नहीं हो सकती। उसी समय मेरी ज़िंदगी में आया पांडू, उससे पहले हम दोस्त थे, कभी कभार बात किया करते थे। काफ़ी दिन हो गया था समीर भाई मुझे उनकी ओर से ब्लॉक भी कर दिए थे, सब कुछ अब नॉर्मल होने लगा था, मैं सब कुछ भूलने लगी थी। पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चला, और वैसे भी गाँव से ज़्यादा तो गॉसिप हॉस्टल्स में होता है, एटलीस्ट वहाँ तो लोग एक दूसरे के पास जाके इकट्ठा होकर गॉसिप करते हैं, यहाँ तो सबके पास प्राइवेट चैट होती है, सब कुछ आसानी से शेयर हो जाता है और आसानी से छुप भी जाता है। खैर जो भी हो, वो इस बात से सहन नहीं कर पाए, उन्होंने फ़ोन किया और फिर से प्यार दिखाने की कोशिश किया, पूछा तो किससे बात करिए, क्यों बात करिए, हर किसी से मत मिला कर, वगैरह वगैरह, फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। उससे पहले सब कुछ खराब था, एंड ऑल ऑफ ए सडन वो कोशिश करने लगे कि मैं पांडू से ना मिलूं। वो मुझे पांडू से अलग करना चाहते थे, मैं भी पांडू से उतना नहीं मिल रही थी, वो ही मुझे अप्रोच कर रहा था। पर एक कॉलेज का आखिरी साल था, एंजॉय तो करना ही था ना, कौन जाने फिर कब मुलाकात होगी या नहीं। एक दिन हम चित्रकूट जाने के लिए निकले थे, उस दिन भैया कॉल किए, बड़े प्यार से काफ़ी कुछ सवाल पूछा मुझे कि कौन कौन जा रहे हो, कौन सा गाड़ी बुक किया है, लड़के लड़की साथ में जा रहे हो कि अलग अलग जा रहे हो। मैंने सारे सवाल का आंसर किया और पता नहीं कहाँ से फिर से झगड़ा शुरू हो गया, और उन्होंने मुझे एक ऐसी वर्ड कहा कि मेरे दिमाग गुस्से से फटने लगा।
तब मैं बस स्टैंड में थी, मेरे बगल में एक स्टैचू था, मैंने उसके ऊपर अपना फ़ोन दे मारा। एक तरफ गुस्सा बहुत आ रहा था और दूसरी तरफ रोना। गाड़ी आने वाली थी, सब दोस्त रेडी हो गए थे निकलने के लिए। मैं गाड़ी में बैठी और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी छुपाने के लिए, पर जो चीज़ मैं सुन के आई थी वो कानों में अभी भी गूंज रहा था। सब पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, पर मैं किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं थी। सब अब मस्ती के मूड में थे। अब मेरे साथ कुछ गलत हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना मूड ख़राब कर लेंगे, तो उन्होंने अपना चीज़ चालू रखा। कुछ समय बीता सबकी चेंचे में, कहीं ना कहीं मैं भी बिजी हो गई। मैंने पांडू को बुलाया मेरे बोलेरो में ताकि उसके साथ थोड़ा समय बिता सकूं और चीज़ें भूल सकूं। उस दिन फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दिखी। हम चित्रकूट पहुंचे, काफ़ी मस्ती किए और पांडू मेरे साथ में ही था पूरा का पूरा समय। और ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप स्कूल में किसी इंसान को मिलते नहीं हो, फिर कॉलेज में किसी इंसान से आप उतना ज़्यादा बात नहीं करते हो, पर कहीं जब घूमने जाते तो वहाँ पर आपकी दोस्ती बन जाती है। पर जो इंसान दिन भर आपके साथ रहे और उसके साथ एक अननोन बॉन्ड सा बन जाता है। और उस दिन के बाद से पांडू का फीलिंग्स आ गया मेरे ऊपर। मैं भी उसकी लाइफ से खुद को बहुत रिलेट कर पा रही थी। उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। फिर एक दिन समीर भैया फ़ोन किए और ब्लैकमेल करने लगे, तू ऐसा क्यों की, मैं था तेरा प्रायोरिटी, अब तू उसको देगी, तू उसकी मत होना, अगर तू उसकी होगी तो मैं सुसाइड कर दूंगा। स्वप्नेश तुझे याद है फंक्शन के दिन तू जो मुझे क्यूट बोला था, उससे कुछ ही देर पहले ही मैं झगड़ा ख़त्म करके फ़ोन स्विच ऑफ करके आई थी। तू अच्छे से मार्क करता तो तेरे को पता चल कि मैं रो रो के आई थी। उसके अगले दिन स्टार नाइट में रात भर नहीं सो पाई। वो ब्लैकमेल कर ही जा रहे थे कि मेरे बहन को बता देंगे, मेरे अंकल को बता देंगे, वगैरह वगैरह। सब कुछ ख़त्म हुआ, मेरे दो दो रिलेशनशिप खराब हो गए, एक समीर भैया के साथ और दूसरा रितिका के साथ। अब मैं पांडू के साथ रिलेशनशिप में थी, जो कि बाद में गलत निकला। अब वो मेरे साथ नहीं है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रियंका और पांडू का रिलेशनशिप कहां तक चला। एक बात कन्फेस करनी थी मुझे कि आई रिमेंबर उस दिन वो ओडीसी करने वाली थी और बैरिकेड के अंदर हम सब थे, उनका स्लॉट नज़दीक आने वाला था। सबसे लेट वो भाग भाग के आई और मैंने उन्हें क्यूट कहा, वो स्माइल कर दी, सब कुछ नॉर्मल था, राइट। उससे पहले वो किसी के साथ झगड़ा करके रो के आई थी डांस करने। यार हम ना सब झूठ ही कहते हैं, प्यार शायद ही नहीं हुआ होता हम सबको, पर सबकी ज़िंदगी में एक ना एक स्टोरी ज़रूर होती है। और हाँ, पांडू का मतलब ये था कि शुभम पंडा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगली वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।